यूं तो लाहौर में आए रोज कोई ना कोई डकैती या चोरी या राहजनी की वारदात होती है जिसके अंदर कोई ना कोई शहरी जख्मी या अपने कीमती माल इसबाब से हाथ धो बैठता है, लेकिन लाहौर में ऐसे भी वाकयात हुए हैं जिसके अंदर डकैती मजामत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जो है वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। पुलिस बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि तमाम मुलजमान को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो मुदैयान हैं उनको इंसाफ फराहम किया जा रहा है, लेकिन शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, मुदैयान जो हैं उनके शिकवे और जो गम व गुस्सा है वो आसमान को छू रहा है कि पुलिस की जानिब से ना तो तआवुन किया जाता है ना ही उनके जो प्यारे दुनिया से चले गए हैं उनके कातलों को मुलजमान को पकड़ा जाता है। एक आज केस के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं जो लिटन रोड के इलाके में डकैती मजामत के ऊपर एक जो शहरी था वो कत्ल हुआ और उसके बाद आज तक ना तो पुलिस मुलजमान को पकड़ सकी है और ना ही इनको इंसाफ की फरहमी के हवाले से कुछ बताया गया है। जब भी ये लोग थाने जाते हैं या आला अफसरान के पास जाते हैं तो इनको नित नई स्टोरी जो है वो घड़कर सुना दी जाती है और सिर्फ तसलियां जो हैं वो दी जा रही हैं और मुदैयों का दावा है कि अब तो तसलियों की बजाय ताने पड़ते हैं कि आप आला अफसरान के पास गई थी तो इंसाफ भी नहीं चले। इस केस में इन्होंने अपना भाई खोया है, एक माँ ने अपना बेटा खोया है। हमारे साथ जो मकतूल की फैमिली वो मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या वकूआ हुआ था, कैसे इनका भाई को कत्ल किया गया और अब क्या इनके मुलजमान को पकड़ा गया है या पकड़ने के हवाले से कोई इनको उम्मीद है या नहीं है, तमाम चीज़ें इन्हीं से जानते हैं। भाजी आपका नाम क्या हुआ था, कौन कत्ल हुआ इसके आपके इस वाक्य में? मेरा भाई। क्या हुआ वाक्या बताइएगा। सर उस दिन 24 अप्रैल का वाक्य, उस दिन मेरे भाई की छुट्टी थी, मैं और मेरी वालदा कहीं जा रहे थे। रमजान की बात है। हाँ जी, 11 रमजान। तो मैं और मेरी वालदा किसी काम से जा रहे थे तो मैंने अम्मी ने भी उसको उठाया कि रहमान उठ जाओ ड्यूटी पे जाना है। तो कहता कि नहीं आज मेरी छुट्टी है, आज हम दोस्तों ने मिलकर ना शाम को इफ्तारी करवानी है। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम लोग चले गए। तो 12 बजे मेरी वालदा घर आई है, मैं रास्ते में ही उतर गई किसी काम से, तो आई हैं घर तो वो नहीं था घर पे ना। तो अम्मी ने पूछा कि रहमान किधर है, तो इन्होंने कहा कि बहनों ने बताया कि वो ड्यूटी पे चला गया। लेकिन उसकी तो छुट्टी थी, फिर वो ड्यूटी पे क्यों गया होगा? तो यही तो बात है ना, मैं आपको बताती हूँ ना, उस उनकी फार्मेसी वालों की कॉल आ रही थी उसामा की, और ना मेरी बहनों ने बताया कि ना वो सो रहा था तो उसके मोबाइल पर उसामा उसके साथ जो काम करता है फार्मेसी वालों का रिश्तेदार भी है, और यूनस भी, यूनस इनका रिश्तेदार है और फार्मेसी पे उसके साथ काम करते हैं, उसामा फार्मेसी का मालिक है। तो इनकी ना कॉल आ रही थी तो अम्मी वो चला गया, तो काफ़ी गुस्से में गया कि आज मेरी छुट्टी है फिर भी मुझे बुलाए जा रहे हैं। तो वो चला गया, अम्मी ने कहा चलो ठीक है। तो अम्मी अपने कामों में लग गई, मैं भी अभी बाजार से निकली नहीं थी ना, तो तकरीबन 3:30 बजे ना मुझे कॉल आई कि ना जहाँ हमने उसका रिश्ता किया था ना कुछ दिन पहले ही हमने उसका रिश्ता तय किया था, उनकी मुझे कॉल आई कि ना आप ही ना आपका कोई रहमान से रब्ता है। मैंने कहा नहीं, क्यों खैरियत है? कहती हम ना उसके साथ फोन पे बात कर रहे थे तो एकदम फायर की आवाज आई है, यानी रहमान अपनी मंगेतर के साथ फोन पे बात कर रहा, की आंटी के साथ बात कर रहा था। तो ना एकदम फायर की कॉल आई है, आवाज आई है, तो उसका फोन बंद हो गया। तो ना उसके बाद उसने फोन नहीं अटेंड किया, हम बहुत ज्यादा फोन कर रहे हैं ना तो नहीं अटेंड कर रहा, तो मैं एकदम परेशान हो गई। तो मैंने कहा फोन बंद करो, मैं उससे बात करती हूँ। तो मैं उसको फ़ोन करना शुरू हो गई, मैंने अपने सारे काम छोड़े और रिक्शे में बैठ गई, मैंने कहा मैं घर जाती हूँ। तो मैं उसको फ़ोन भी साथ साथ कर रही थी, करती जा रही थी, लेकिन फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा था ना उसका। तो यहाँ तक कि मेरे स्टॉप पे आते आते ना वो फ़ोन उसका बंद भी हो गया। फिर मैंने अपने छोटे भाई से रब्ता किया, वो घर पर ही था, मैंने उसे कहा तुम्हारा रहमान के साथ फिर रब्ता है? कहता नहीं बाजी, क्या हुआ है? मैंने कहा इस तरह मुझे इतला मिली है कि वो ना फ़ोन पर बात कर रहा था तो एकदम फायर की आवाज़ आई है तो फ़ोन बंद हो गया। वो भी परेशान हो गया, कहता मैं भाग के जाता हूँ पता करता हूँ। मैंने कहा तुम अकेले नहीं जाना, मैं अभी आ रही हूँ, हम दोनों बहन भाई इकट्ठे जाते हैं। अरे कितने बजे की बात है ये? तकरीबन 3:30-4 की बात है। हाँ जी, तो ना हम मैं घर आ गई हूँ तो हम दोनों बहन भाई वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ पे हम कहाँ पे फार्मेसी थी, कहाँ पे? ये शाम नगर रोड चबुर्जी, तो केयर फर्स्ट के नाम से थी। तो ना हम वहाँ पे पहुंचे हैं तो वो बंद थी, तो वहाँ पे पुलिस भी बहुत ज्यादा थी और लोग भी बहुत ज्यादा थे। मैं उनको देख के परेशान हो गई, मैंने अपने भाई से कहा कि यहाँ पे ज़रूर कोई मामला है, तो मैं उधर चीखना शुरू हो गई। फार्मेसी जब बंद देखी तो मैंने कहा इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, लोग इकट्ठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि फार्मेसी पे ना डकैती हो गई है। तो मैं एकदम अपने भाई को आवाज़ें देना शुरू हो गई, मैंने कहा मेरा भाई किधर है, मेरा भाई किधर है? तो कहते हैं कि कौन सा आपका भाई? मैंने कहा मेरा भाई रहमान, इधर फार्मेसी पर ड्यूटी करता था। तो फार्मेसी का मालिक उसामा पास ही खड़ा था, वो कहता है
कि ना उसको गोली लग गई है बाजी, तो वो हॉस्पिटल में है, सर्विसेज हॉस्पिटल में है। मैं एकदम चीखना शुरू हो गई मजीद, तो मैंने कहा कि उसको गोली कहाँ लगी है, कहता उसको गोली टांग में लगी है। मैंने अपने भाई से कहा कि चलो हम वहाँ पे चलते हैं, उसके पीछे चलते हैं सर्विस हॉस्पिटल। मैंने घर भी इतला दे दी भाइयों को भी, तो हम लोग सर्विस हॉस्पिटल चले गए। तो वहाँ पे वो फिर हमने देखा वो इमरजेंसी में था, लेकिन ख़ास ट्रीटमेंट नहीं उसको दी जा रही थी। जितनी हैवी उसको तकलीफ आई हुई थी, चोट लगी हुई थी, गोली किधर लगी थी? उसको सर में गोली लगी हुई थी। तो मैंने जाके देखा ना, तो क्योंकि इसको तो सर टांग पे ब्लड था उसके ना, उस सर पे पट्टी बंधी हुई थी। तो मैं चीखना शुरू हो गई कि उसामा तो कह रहा था उसको टांग पे गोली लगी है, तो ये तो सर में उसको, इसके सर में क्या होगा? आपको फार्मेसी के मालिक ने बताया था कि उसकी टांग में गोली लगी है। हाँ जी, तो मैं चीखना शुरू हो गई कि उसामा ने तो मुझे बताया था कि इसके टांग में गोली लगी है, तो ये तो इसके सर पे क्या हुआ है, ये उसकी आंखें भी बंद है, उसकी आंख नीली हो गई हुई थी। तो मैं ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू हो गई, तो मेरे भाई ने मुझे संभाला, उसने कहा कि बच्ची उसको सर में ही गोली लगी है। तो फिर मैं बेहोश हो गई एकदम, फिर भाइयों ने मुझे संभाला, सारे वहाँ पहुँच गए थे। तो फिर आस्ता आस्ता हम देखते रहे कि ना हॉस्पिटल सर्विस हॉस्पिटल वाले उसको ना खास ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, जितनी उसको चोट आई हुई ना उसको खास ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, हालांकि उसको फ़ौरन ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। यहाँ तक कि तकरीबन 8-10 घंटे गुजर गए, इफ्तारी के बाद 8-9 बजे ना उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि ना इसकी हालत ख़राब हो गई है, तो आप इस तरह करो, हमारे पास ICU में बेड कोई खाली नहीं है और ऑपरेशन का भी इंतज़ाम नहीं है, आप इस तरह करो कि इसको ना जनरल में ले जाओ। उन्होंने हमें जवाब दे दिया। फिर हमें उस टाइम गुस्सा भी आया, लेकिन भाई की जान ज़्यादा प्यारी थी उस वक्त, तो हमने उसको ज़रूरी समझा और उसको एम्बुलेंस में डाला। तो आपने पूछा नहीं कि 8-9 घंटे रखने के बाद अब आप कह रहे हैं? दिखाया, बहुत शोर शराबा किया है, गुस्सा भी किया है। तो हम कुछ बड़े बहन भाई, उन्होंने कहा इस टाइम भाई की जान ज़्यादा ज़रूरी है, इसको बचाओ और इनको बाद में पूछेंगे फिर। तो हम लोग ले गए, तो जनरल में ले गए, उन्होंने भी जाते साथ ही हमें पहले तो जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका मरीज जो 99% जो है ना, वो उसके कोई चांसेस नहीं है। तो सांस नहीं चल रही थी? नहीं, सांस नहीं चल रही थी, सिर्फ दिल की धड़कन चल रही थी, वेंटिलेटर पे उसको सांस दे रहे थे, ब्लड उसका बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका था, यहाँ तक कि सर्विसेज वालों ने ब्लड भी उसका कंट्रोल नहीं किया, उसको वहाँ तक जनरल में जाते तक कि उसका ब्लड ऐसे जा रहा था जैसे कोई बकरा ज़िबा किया हो ऐसे। मैं वो मंजर बयान नहीं कर सकती, मेरा भाई था, मेरे कलेजे को चोट लगती है जब मैं वो मंजर याद करती हूँ। फिर उन्होंने पहले तो हमें जवाब दे दिया, फिर उनकी भी हमने मिनटें समाप्त की थी कि भाई आप लोगों की मेहरबानी है, कुछ करो कुछ करो। फिर उन्होंने रात को 2 बजे ऑपरेशन शुरू किया, उससे पहले उन्होंने भी नहीं किया कि ये तो तकरीबन ऐसे डेड हो चुका हुआ है, तो इसका ऑपरेशन पे हम क्या टाइम ज़ाया करें। हम लोगों ने बड़ी फिर उनकी मिनटें समाजते की, तो फिर उन्होंने उसका 2 बजे ऑपरेशन शुरू किया। फिर सुबह तक उन्होंने हमें बताया कि लेट आए हो आप लोग बहुत, और सर्विसेज वालों ने भी आपको बहुत आपका टाइम ज़ाया किया है, इस वजह से हमने ऑपरेशन तो कर दिया लेकिन हम गारंटी कोई नहीं दे सकते इसकी ज़िंदगी की, वो आप लोग दुआ करो कि इसकी ज़िंदगी बच जाए, लेकिन हम कुछ क्या कुछ नहीं सकते। तो वही बात हुई, तो मतलब वो बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता उसके सांस अड़ते गए। तो ये 11 रमज़ान की बात है जिस दिन गोली लगी। हाँ जी। तो फौत किस दिन हुए थे? 1 मई को 18वें रोज़ यानी 8वें दिन वो फौत हुए। तो क्या डॉक्टर ने बताया कि वो सर की चोट की वजह से? हाँ, उन्होंने कहा इसके सर में बुलेट लगी हुई है और बुलेट बहुत ज्यादा काम खराब कर गई हुई है। फिर मुकदमा आपने दर्ज करवाया किसके खिलाफ? हम फिर जब भाई की रस्मात से फारिग होके थाने गए हैं, यहाँ तक कि ना उन्होंने हमारा मोबाइल भी पुलिस के पास था, हालांकि गायब करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें तो ये था कि हम जल्दी अपने मोबाइल का मोबाइल तो हासिल करें, उस पर मतलब कुछ भी हमें मिल सकते हैं, तो वो पुलिस हमें दे नहीं रही थी। हम कॉल करते थे उसामा को, फार्मेसी वालों को, तो वो कहते थे पुलिस के पास है, पुलिस को फ़ोन करते थे वो कहते थे फार्मेसी वालों के पास है, हमारा उसके साथ काम ही कोई नहीं है। कभी पुलिस वाले कहते थे सांदा पुलिस थाने में बड़ा हुआ है, मैं और मेरा छोटा भाई कभी उधर जा कभी उधर जा। फिर मैंने गुस्सा दिखाया एकदम, तो मैंने कहा कि मेरा भाई चोर तो नहीं था, डकैत तो नहीं था जिसका फ़ोन जब्त करके बैठे हुए हो, तो आप मुझे उसका फोन हमें उसका मोबाइल तो दो। तो फिर वो उन्होंने हमें दिया, और फिर मैंने जब फिर उसे कहा कि अब क्या कानूनी तकाजे हैं, अब मतलब पहली बात तो ये है कि फार्मेसी वालों को तो उस वक्त भी टके का नुकसान नहीं हुआ, फार्मेसी वालों का तो उस वक्त भी टके का नुकसान नहीं हुआ, तो वो मुद्दई बन गया। चलो उस वक्त डकैती गिनी जाती थी, लेकिन अब जो है ना वो, अब तो मेरे भाई की डेथ हो गई है, अब तो सारा नुकसान हमारा है, अब आप क्या करेंगे? कहते जी वाकिया, एक वाकये का एक ही मुकदमा होता है और वो तो कानूनी बात है कि एक मुकदमा का एक मुकदमा, तो लेकिन और उसका मुदई भी एक होता है, वो मुदई वो बन गए हैं, अब आप
कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपका जब भाई फौत हो गया तो उन्होंने आपको बीच में शामिल किया होगा मुकदमे के अंदर? नहीं सर, वो कुछ करना ही नहीं चाह रहे थे। मैं फिर मतलब मैंने इनके पास थोड़े गई तफ्तीशी के पास, लेकिन वो तो पास होना भी तीसरा महीना शुरू हो गया। पुलिस ने अभी तक आपको क्या बताया है, क्या तफ्तीश की? कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। आप गई हैं थाने? थाने में एक बार गई हूँ, फिर मैं आईजी पास आज तक गई हूँ, सीसीपीओ साहब तक गई हूँ। जब मैं फिर जाके बोलती हूँ, मेरी वालदा भी होती हैं साथ, हो ये उनके से मतलब इनसे चला नहीं जाता। हम इतनी मुश्किल में मैं इनको घसीट रहे हो गए। उस दिन ये गिरी भी हैं थाना मुगलपुरा में, एसपी के पास हम गए हैं तो ये गिरी भी हैं, इनको इतनी बुरी तरह चोट लगी है। तो लेकिन वो बस बुला लेते हैं। और जब आप आईजी ऑफिस गई तो सीसीपीओ के पास गई, उन्होंने क्या वो क्या करते हैं कि अपने मातहतों को मार्क कर देते हैं। जिनसे तंग आके हम मायूस होके हम इनके पास जाते हैं, वो उनको ही मार्क कर देते हैं। सही तरह वो पहली बार जब मार्क करवा के आप नीचे थाने दोबारा जाती है तो कैसा रवैया होता है उनका? कुछ भी मैं आपको क्या बताऊँ, तीन तीन घंटे भी एसपी साहब नहीं आए, फलां अफसर नहीं आए, तीन तीन चार चार घंटे में बैठ के वेट करवाया जाता है। और उसके बाद फिर जब वो आते हैं तो बस दो मिनट भी पूरी बात नहीं सुनते, ना हमारा मेन मौकफ सुनते हैं, ना उस पर बात करते हैं। तो सीसीटीवी फुटेजेस थी इस वाकये की, तो उसके अंदर मुल्जमान फायरिंग करते दिखाई देते हैं, हाँ चेहरे दिखाई देते हैं, तो क्यों नहीं पकड़ा पुलिस? यही तो पुलिस की हठधर्मी है, यही तो हम चीख चीख के रह गए हैं। हालांकि मैं ये मेरा ये मौकफ है कि ना इसमें फार्मेसी वाले भी बराबर के जिम्मेदार हैं। वो इसलिए है कि उन्होंने कोई सी गार्ड का इंतजाम नहीं किया हुआ था। दूसरा ये है कि उन्होंने जो नारी लड़का बिठाया हुआ था उसके हाथ में पिस्टल पकड़ा दिया हुआ था। हम भी ज़ाहिर दुनिया पाकिस्तान में है यही कुछ डकैती वारदातें, अक्सर जगह पे हम देखते हैं, बड़े बड़े बैंकों में भी डकैती हो जाती है। तो सेल्फ डिफेंस का पहला तकाजा तो ये है कि डाकू आ गए हैं तो सारा कुछ उनके हवाले कर दिया जाए और अपनी भी और अपने प्यारों की भी जान बचाई जाए। तो वहाँ पे ऐसा कोई मंजर नहीं था। उसने उस यूनस ने क्या किया, आते साथ ही वो पिस्टल, डाकू अभी पूरी तरह अंदर एंटर भी नहीं होते और उन पे फिर पिस्टल कर देते, पिस्टल पकड़ के फायर कर देता है। अब देखे ना, वो यूनस भी मुलाजिम है उसके साथ ही काम करता। हाँ जी, और उसके हाथ में पिस्टल पकड़ाया हुआ है फार्मेसी वालों में। ये छोटी सी बात नहीं है, अगर अवाम ने खुद ही मरना और मराना है तो फिर हर बंदे के हाथ में पिस्टल क्यों नहीं पकड़ा दिया होगा? तो फिर और मेरे भाई के भी हाथ में पकड़ा देते, वो भी चला के अपनी जान बचा लेता। मैं तो यही कहूंगी ना, जाहिर है यूनस ने तो चला लिया और अपनी जान बचा ली। फार्मेसी वाले आपके साथ कोई ताबुन किया, कोई जनाजे शनाजे में आए आपको बताया? नहीं सर, वो तो 8 दिन मेरा भाई हॉस्पिटल रहा, उन्होंने हमें एक बार भी नहीं पूछा आके। उसके बाद वो दुनिया से भी चला गया और दुनिया आई है उसके जनाजे में, लेकिन वो नहीं। आपने उनसे पूछा कि छुट्टी वाले दिन मेरे भाई को क्यों बुलाया था? सर ये हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, कोई बात सुनने ही नहीं गवारा करता। उसका चाचा है वो इधर, वो काफ़ी अप्रोचड है, काफ़ी मतलब उसके हाथ लंबे हैं, तो वो पुलिस ने उसको ही ख़रीदा हुआ है। तो ना वो उसके पास हम गए हैं भाई की डेथ के बाद, कि हम पूरे हालात वाकयात का तो जायजा लेना जाके उनसे पूछे, क्योंकि हम तो मौके पे नहीं थे ना, हम उनसे ही पूछेंगे, वही बताएंगे। जो होना था वो तो हो गया, बैठ जो कर चुप करके। फार्मेसी वाले आपको कहते हैं? जी फार्मेसी वाले कहते हैं। तो आपका बेटे यानी भाई और जो बेटा था उनके लिए वो कोई उसकी उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं है? कुछ भी नहीं, ये इसी चीज की तो हमें तकलीफ है कि मेरा भाई हंसता खेलता घर से हलाल रोजी कमाने गया और 8 दिन बाद मैयत की सूरत में खा जा गया। माँ जी आप बताइएगा कितने बच्चे हैं आपके? आठ। ये अब्दुल रहमान का कौन सा नंबर था? 30। कैसा था बेटा? मेरा बेटा हाफिज़। अच्छा माशाल्लाह। मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत लायक। माशाल्लाह मैं उसका बयान नहीं कर सकती जिदा मेरा बेटा काबिल लायक, इतनी मेरी इज्जत इत्राम सब की करता था। तो जिस तरह से ये 3 महीने में आपकी बेटी बता रही है कि पुलिस ने खवार कर छोड़ा है, कोई इंसाफ नहीं मिला, नहीं मिला जाके तके खा के ये डिग के ठुडे खा के चल मैं नहीं सकती। मेरी बेटी भी चुक सीट के मैनु लेके जाती है, लता वजन नहीं चल दिया डिग पे नहीं। तो इमरान खान साहब जो हमारे वजीर आजम है हुकूमत, वो तो ये कहती है कि पुलिस के महकमे को ठीक कर रहे हैं, इंसाफ दहलीज पे दे रहे हैं, सब झूठ। कोई हुकूमती नुमाइंदा आपके पास आया, कोई पुलिस अफसरान आए आपके पास? कोई नहीं, आज तक मेरे घर कोई मेरे दरवाजे पे कोई नहीं, कोई इंसान नहीं गया दिन आते थे जिन्होंने कॉल एक 10 दिन किसे कोई नौकर रखा हुआ ना ओदे नाल ऐसा वाकया गुजर जाए तो बड़ी तकलीफ होंगी। बिल्कुल बड़ी तकलीफ होंगी है कि ये जरा गुजर गया असी की करांगे।
मेरे पुत्र की कमाई खाधी। आखिर जो 25-30 हज़ार सैलरी रहिंदा सी, उन्नी तो नहीं सी कमाई हुंदी उन्हां दी, काफी कमाई। उन्हें इन्ना जिन्ना मेरे नाल दर्द दा इज़हार नहीं किया है। मेरा बच्चा मस्जिद च भेजो तो जिम्मेदार कारी हुंदा, मस्जिद वाला कमौल भी जिम्मेदार हुंदा बच्चे दे नाल कोई वाकया गुजर जाए। स्कूल भेजो, जिम्मेदार स्कूल वाले हुंदे ने बच्चे नाल कोई किसी किस्म का वाकया गुजर जाए। उन्होंने जरा जिन्ना दिल ते नूं तकलीफ नहीं लियांदी। मां जी उम्मीद है आपको कि इंसाफ मिलेगा, की उम्मीद कर सकते? लगता है कि आपके मुल्जमान पकड़े जाएंगे, की उम्मीद कर सकने? अज तक कोई उम्मीद नहीं कामयाब हुई, तके खा खा के मर गई मामा दियां। बच्चे मेरे दूसरे काम करन, या मेरा मतलब है तके खान केसां दा तुहानूं पता अजकल ते किराए नहीं मार, जिथे भी जाओ किराए नहीं मान। CCPO दे असीं जा थक गए हां, कोई नहीं, कोई मेरा मतलब है पुठे हाथ नाल नहीं पुछ रहा है कि तू आई हां किथे गई हां। अगे मार कर छड़दे ने, ओह जिथे मार करदे ने उत्थों 7-7 वारी हो के आ गई हां, कोई गल नहीं करदा, कोई कोई हौसला तसली देंदा ही नहीं। टिचकरां करदे सौ कुछ पुलिस वाले, किस तरह जुगतां करदे, क्या कहते जे पुछो गल, एक कोलो मार करवा के अफसर कोलो तो फिर उत्थे ही जाती है। अगले कहे जाओ जाके उस CCPO को इंसाफ लवो, ओनू पुछो जाके की कीता, ओनू पुछो। बाजी आप केस की पैरवी कर रही हैं, इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है? माँ जी तो बिल्कुल ना उम्मीद है, आपको लगता है? सर जितने को मैं धक्के खा चुकी हूँ फिलहाल तक तो कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के तामुन से मुझे मिल जाए, और उम्मीद भी बड़ी है कि मुझे मिलेगा अब इंसाफ, क्योंकि मैं बैठूंगी नहीं, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगी और अपने भाई के लिए इंसाफ लूंगी। बहुत सर से रात कुरान पढ़ता और मोबाइल दी लैट ते कुरान पाक पढ़ता, इन्ना जालमन तरस नहीं आया मेरे पुत्र नु शहीद करन लगी। मेरा पुत्र इन्ना अच्छा, दुनिया और नु कलप दी है ते रोन दी है, दुनिया दे उन्हें दुआइयां दे राशना दे मीने लाए सा, तमाम दावे करते हैं कि मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाते हैं और फोर्स जो है वो बड़ी जानफशानी से काम करती है। अप्रैल में इनका भाई कत्ल हुआ है और आप उनके मुंह से सुन रहे हैं कि किसी एक अफसर ने इनके घर का विजिट नहीं किया, इनकी दादरसी नहीं की, किसी हुकूमती नुमाइंदे ने मुंतखब नुमाइंदों ने इनकी दादरसी के लिए यहाँ आना गवारा नहीं समझा। और सितम ज़रीफ़ी ये कि ये माँ और बेटी अपने बेटे के कत्ल का इंसाफ लेने के लिए जब अफसरान के पास जाते हैं तो वो इनको ताने मारते हैं कि आप बड़े अफसरान के दफातर में गई थी तो इंसाफ उन्हीं से लें, हालाँकि ये वाक़या किसी के साथ भी पेश आ सकता है। अब्दुर्रहमान किसी का भी अब्दुर्रहमान जो है वो इस तरह की वारदात में जान अपनी खो सकता है, लेकिन पुलिस इतनी बेहिस हो चुकी है और उस बेहिसी की तो दादा आप इनके जुबानी सुन रहे थे। सीनियर माहिर कानून सैयद फराद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अगर एक वकूआ होता है और पहले उसके अंदर डकैती की दफाजियाँ शामिल की जाती हैं और फिर बाद में अगर कोई मजरूब जो उसमें है वो मर जाता है तो दूसरी दफा शामिल करने का क्या तरीका होता है, और अगर जो मकतूल है उसके वर्सा मुदैय चाहें
तो उसके अंदर क्या कानूनी पेचीदगियाँ हो सकती हैं और कानून क्या कहता है, इस ये तमाम चीज़ें इनसे जानते हैं। शाह जी, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि लिटन रोड के इलाके में एक वारदात होती है फार्मेसी की दुकान पर, और एक डाकू उसमें ज़ख्मी हो जाता है और एक शहरी ज़ख्मी हो जाता है, यानी जो दुकानदार है मुलाजिम। डाकू थोड़ी देर के बाद मर जाता है, शहरी जो है वो तकरीबन 8 रोज़ मौत ज़िंदगी कश्मकश में रह के बहुत होता है। जो फार्मेसी का मालिक है उसने 394 का मुकदमा अपनी मुदैयत में दर्ज करा दिया। अब जो मकतूल है, जो मुलाजिम था उस फार्मेसी का, उसके वर्सा चाहते हैं कि उनको मुदैयत मिले, कानून इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहली बात यह है किसी भी वकूए की FIR का दर्ज होना, वो सरकमस्टांसिस के अंदर, क्योंकि उस वक्त सरे 10 जुर्म 394 ही था, डकैती की गई थी, उसकी FIR दर्ज करवानी। और नॉर्मली जो हमारा सेक्शन 154 है जो डील करता है FIR के इंदराज से मुतल्लिक, वो नॉर्मली जिन लोगों की तरफ से एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाती है उसमें से उन्होंने देखना होता है कि आइदर वे इसमें से कोई काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म बनता है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो FIR का इंदराज वो कर देते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर जुर्म जो सरे 10 394 बनता था और एप्लीकेशन फार्मेसी वाले की तरफ, क्योंकि डकैती उसकी दुकान पर हो रही थी और वो दुकान पर उस वक्त मौजूद था, वो आई विटनेस भी है, तो उसकी मदयत में FIR दर्ज। वैसे हमारा जाब्ता फौजदारी सेक्शन 44 बड़ा क्लियर है कि किसी की भी इंफॉर्मेशन पर FIR का इंदराज हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें एग्रीव्ड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब जो आप टिपिकल जिस केस की बात कर रहे हैं इसमें जो उसके वर्सा हैं, अब क्योंकि इसके अंदर डाकू भी मर गया और एक ज़ख्मी जो था वो भी सब्सिक्वेंट फौत हो गया इंजरीज की वजह से, तो नॉर्मली इन कोर्स के अंदर अगर 324 की FIR हो या 394 की FIR हो तो उसमें फिर जुर्म का इजाद हो जाना है कि 324 से अगर बंदा मर गया तो वो फिर 302 का इजाद हो जाता है, ये 394 से ये 396 में कन्वर्ट कर जाती है अगर डकैती में कोई शख्स कत्ल हो जाता है। अब मुदई चाहते हैं कि वारिस बन जाए, तो देखें इसके अंदर सूरा बीबी केस बड़ा क्लियर कर दिया 7 नंबर ऑनरेबल अगस्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बेंच ने कि एक अकरेंस की सब्सिक्वेंट FIR नहीं होती। जैसे गुनवा केस था जुल्फकार भुट्टो साहब की फैमिली के जो केसेस हुए उसमें सब्सिक्वेंट FIR होती रही कि पहले पुलिस अपनी मुदैयत में FIR देती रही और बाद में गुनवा भुट्टो केस हम उसमें सब्सिक्वेंट FIR हुई मीर मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के हवाले से। लेकिन अब उन्होंने सूरा बीबी के अंदर PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 595 में उन्होंने डिसाइड कर दिया कि सब्सिक्वेंट 161 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी पुलिस, चाहे वो क्रॉस वर्शन के सीक्वेंस में लिखे या वो सब्सिक्वेंट वर्शन के सीक्वेंस में लिखे, लेकिन एक वकूए की दो FIR दर्ज नहीं होंगी। जैसे आपके पास पुलिस मुकाबले की FIR दर्ज कराती पुलिस के ये डाकू को हमने पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया, अब उसके अगर डाकू के वारिस FIR कराना चाहें जो कि नॉर्मली वो करवाते थे, अब वो आके सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि FIR दर्ज नहीं होगी, उनका वर्शन लिखा जाएगा दैट इज क्रॉस वर्शन, और चाहे वो 3 वर्शन आ जाए 4 आ जाए इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कलेक्शन ऑफ एविडेंस करने के बाद पुलिस मटेरियल को इन द शेप ऑफ पुलिस रिपोर्ट भिजवा देगी अदालत में और अदालत आफ्टर एविडेंस वो फैसला करेगी कि आइदर वे पुलिस का मौकफ ठीक है कि ये पुलिस मुकाबला हुआ जैसे इस केस के अंदर कि यह डकैती हुई या सब्सिक्वेंट वर्शन। लेकिन जो आपका जिस प्रेजेंट केस की आप बात कर रहे हैं इसमें मुदैयत चेंज नहीं हो सकेगी, लेकिन अगर वो अपना इस्तगासा फाइल करना चाहें, अगर वो वहाँ पे मौजूद थे वो भी चाहे चश्मदीद गवाह थे तो, लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि जो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें CCTV फुटेज जो है वो ऑन एयर हुई थी और CCTV फुटेज का लॉ जो है अभी मलिक अरशद केस अभी आपके सामने अपेक्स अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, दीज केसेज आर ऑफ नेचुरल एविडेंस कि ये मॉडर्न डिवाइस के तहत बनी हुई एविडेंस है जो आर्टिकल 164 कानून शहादत जिसे डील करता है कि इसमें अली उस्मान काशिफ की एविडेंस की उस तरह से ज़रूरत नहीं है। अगर रियल एविडेंस आपके पास है जो मॉडर्न डिवाइस से रिकॉर्ड हुई हुई है, फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ये कहती है कि इसमें किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर से चेंज नहीं किया गया, तो उस एविडेंस की बुनियाद पर किसी की सजा और जजा का फैसला हो सकता है। शाह जी, अगर मुद्दई कोई और, यानी अगर मैं किसी केस का मुद्दई होता हूँ तो मैं उसको बड़ी दिल लगी से बड़ा जान खुशानी के साथ परसू करूँगा क्योंकि मेरा अपना दर्द होगा। कोई किसी के केस को क्यों परसू करेगा इस तरह ना, क्योंकि मरने वाला जो है वो तो किसी और का, यानी उसके लवाही के मुख्तलिफ हैं, ये तो सिर्फ फार्मेसी का मालिक है, तो इसमें इस तरह के वाकये से केस कमज़ोर नहीं होता? देखिए, केस तो लड़ना होता है, मैं समझता हूँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर केस ABC नहीं लड़ना होता है, दिस इज़ अ क्राइम अगेंस्ट स्टेट,
ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शहरियों के साथ होने वाले क्राइम को स्टेट के साथ होने वाला क्राइम समझा जाता है। और इदारे, आपको पता है कि पंजाब प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट आने के बाद प्रोसिक्यूशन जो है 493 सीआरपीसी बड़ा क्लियर है कि प्राइवेट प्रोसिक्यूशन की जरूरत नहीं है। इट इज द ड्यूटी, सुप्रीम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट के वो इस किस्म के केसेस के अंदर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस करे ऐसे लोगों के साथ, कथा नजर इस बात के कि मुदई जो था वो फार्मेसी वाला बन गया या मुदई जो था वो वारिस बनना चाहते हैं। ऐसे केसों में पुलिस से इंसाफ कर पाती है? देखिए, पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करनी है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करनी है, आगे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने करना है। अगर गिरफ्तार करना है पुलिस का काम है, लेकिन केस की प्रोसीडिंग्स को जो सारा लेके चलना है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने चलना है। और आपका अरबों रुपए का बजट है जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में दिया जा रहा है, और बड़े काबिल अफसरान हैं पीसीएस से जो रिक्रूटमेंट के थ्रू आते हैं, जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स हैं आपके। अगर पुलिस ही चलान कमजोर बनाए मुलजमों को ना गिरफ्तार करे, तो गुजारिश ये है कि मुलजमों को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करेगी? ये बेसिकली एक हमारा पुलिस डिपार्टमेंट से एतमाद उठता जा रहा है। वरना अगर आप जुडिशियल सिस्टम की बात करें या क्रिमिनल सिस्टम की बात करें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की इसलिए इम्पोर्टेंस है कि जब तक आप तो मुलजम को कटहरे में ला के खड़ा नहीं करेंगे, ट्रायल नहीं चल सकेगा। एब्सेंशिया में ट्रायल नहीं होता। अभी रिसेंट जजमेंट आपने नवाज शरीफ केस की अपील वाली सुनी कि उन्होंने सेंड है अपील जो थी एडजर्न करने की बजाय खारिज कर दी अदम पैरवी को, जब वो आएगा और उसके बाद आके वो फेस करेगा दोबारा अपनी अपील फाइल। मतलब यह है कि एब्सेंशिया के अंदर ट्रायल नहीं होता। अब चार्ज फ्रेम होना है, उसकी मौजूदगी में होना है, एविडेंस होनी है उसकी मौजूदगी में होनी है। 342 का स्टेटमेंट है, उस पर एविडेंस सारी पुट करनी होगी। तो जब तक पुलिस मुलजमान नहीं पकड़ेगी, और फिर अगर मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि अगर मुलजम को पुलिस ने नहीं पकड़ना, तो उनको कोई प्रेशर नहीं है कि वो फार्मेसी वाला मुलजम के खिलाफ केस लड़ रहा है या वारिस लड़ रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हुकूमत के इदारों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल करनी है, वो पुलिस को अपनी करनी है, प्रोसिक्यूशन को अपनी करनी है, और उसके बाद फिर एक जुडिशल सिस्टम से उसको गुजारना है, और अप्रेजल ऑफ एविडेंस के बाद इस चीज़ का फैसला किया जाएगा कि आइदर वे इनको सजा और जजा क्या मिलेगी। बहुत शुक्रिया। से आपने मकतूल की हमशीरा और वालदा की गुफ्तगू सुनी, इंसाफ के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और जिस भी पुलिस अफसर के कमरे में दफ्तर में वो जाते हैं वहाँ से उनको नाउम्मीदी ही मिलती है, और उसकी वजह से अब उनका गुस्सा और जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो इंतहा को पहुँच चुकी है, और वो कहती हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकती हैं अपने भाई के कातलों को गिरफ्तार करके इंसाफ के हसूल के लिए। हमारे साथ डॉक्टर बिस्मा एजाज मौजूद हैं, हमारे नफ्सियात से जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के लोग, यानी एक उनके घर में गम का पहाड़ गया टूटा कि जवान गैर शादीशुदा भाई जो था उनका कत्ल कर दिया गया, फिर हस्पताल में उनको बहुत ज़्यादा अजियत का सामना करना पड़ा, फिर 8 दिन तक वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुबतला रहने के बाद फौत हो गया। तो ऐसी सारे सूरत हाल में इंसान किस हद तक जा सकता है, और ये जो इंसाफ की फरहमी में ताखीर होती है ये किस हद तक इंसानी जहन को मुतासर करती है? डॉक्टर साहब, एक तो वक्त का बहुत शुक्रिया। एक शख्स अपने घर से छुट्टी वाले दिन उसको ज़बरदस्ती बुलाया जाता है कि आप दुकान पे आएँ, आपने काम करना है, वो फार्मेसी की दुकान में जाता है, वहाँ पर डाकू आते हैं, फायरिंग होती है,
वो शदीद जख्मी हो जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल वालों का इनके मुताबिक रवैया बहुत नारवा रहता है, फिर दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया जाता है, वहाँ पर वो 8 रोज़ तक रहता है और वो फिर फौत हो जाता है। इस सारी सूरत हाल में एक बहन है जो सारे केस को पैरवी कर रही है और बूढ़ी माँ है जो अस्पताल पुलिस दफातर के चक्कर लगा रही है। किस हद तक यानी उनको साइकोलॉजिकली ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं और आने वाले दौर में किस हद तक वो जा सकते हैं? सबसे पहले तो उमर, एक और अफसोसनाक वाक़या हमारी सोसाइटी में, ये तो रोज़ की एक काउंट्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पे ऑब्वियसली हम लोगों को बहुत अफसोस है। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है कि इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या होता है, तो आपने अभी जिक्र किया कि इस केस की जो पैरवी है वो माँ और बहन जो हैं वो कर रही हैं। आप देख रहे होंगे कि ख़वातीन जो हैं घर की वो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें कि घर के मर्द जो हैं वो शायद इस वाक़े की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब तो हैं ही, फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब हुए, क्योंकि आपने बताया कि 8 से 10 दिन तक वो ज़ेरे इलाज रहा, उसके बाद उसकी डेथ हुई, तो उस पर ज़ाहिर उसके इलाज पर पैसे भी लगे होंगे। फाइनेंशियल बर्डन के बाद अब वो एक और प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे जिसको PTSD कहते हैं, जिसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कहते हैं। यानी इस जो मकतूल है उसकी डेथ के बाद उनको भी ये फियर होगा कि घर से जब कमाई के लिए निकलेंगे बाहर तो उनके साथ भी ये अफसोसनाक वाकया किसी वक्त भी हो सकता है, इसलिए शायद जो घर के मर्द हैं वो थोड़ा सा बैक फुट पे हैं। ख़वातीन जो हैं उनमें एक शायद उम्मीद की किरण बाकी है कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। ख़वातीन को जैसे ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पे आजकल लोग अवेयरनेस भी दे रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो उनको शायद ये उम्मीद होगी कि हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, हुकूमत तक हमारी अपील पहुँचे तो शायद कोई हमारी दादरसी की जाएगी। तो इस वजह से ख़वातीन जो हैं वो थोड़ी सी हिम्मत बांध के घर से बाहर निकल रही हैं और ये इस चीज़ में पहुँच रही हैं। लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी जो कानून है उसमें गरीब की सुनवाई बहुत मुश्किल है, ये तो हम सबको पता है, ये इट्स अ हार्ड फैक्ट। उम्मीद फिर भी रखी जा सकती है कि शायद कोई ऐसी दर्द दिल रखने वाला इंसान हो जो उनकी बात सुने और उनके लिए इंसाफ की जो जस्तजू है उसमें उनका साथ दे। लेकिन साइकोलॉजिकली मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त अपसेट नहीं होंगी, बल्कि वो ज़्यादा बर्डनाइज होंगी, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने अपना माँ ने बेटा खोया जवान, उसकी तकलीफ, और उसके बाद अगर एक उम्मीद है कि वो उनकी बात ना सुनी गई तो उसकी वजह से उनके घर का जो माहौल है उस पर क्या असर पड़ेगा, वो एक अलहदा स्ट्रेस है। तो साइकोलॉजिकली होल फैमिली इज़ अंडर द बर्डन, बट स्टिल जो ख़वातीन हैं घर की उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत बांध के इस चीज़ के लिए कोशिश की है। जब कोई भी सैल, हम अपार्ट फ्रॉम दिस फैमिली, जब कोई भी सैल पुलिस के पास जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है कि उसको इंसाफ मिलेगा या उसकी दादरसी की जाएगी, और कुछ ना भी हो तो उसको दिलासा दिया जाएगा जी। और इस केस के अंदर जिस तरह से दोनों ये खातून जो हैं ये बूढ़ी माँ को लेके पुलिस अफसरान के दफातर में जाती हैं और फिर वहाँ से वो आगे भेज देते हैं, फिर आगे से आगे, और एक पूरी चेन चलती है खबारी की, उस सूरत हाल में आप यानी इंसाफ लेट होता जा रहा है ना, 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया, अभी तक कोई मुलजिम नहीं पकड़ा गया, और फिर साथ ही साथ जो हमारे हुकूमती नुमाइंदे हैं उनके इलाके के रहने वाले, उनकी जानिब से भी कोई नहीं उनसे दादरसी करने के लिए, फिर हुकूमती लेवल पे भी किसी ने उनसे दादरसी नहीं की, तो ये सारा क्योंकि फिर उन्होंने आज जब उनके पास में था इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा कि वो इंसाफ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। फिर ये सारी चीज़ें अगर हम ज़ेरे गौर रखें और फिर उनका ये वाला बयान देखें, तो इसका क्या मतलब है कि वो नाउम्मीद हो चुकी नहीं है या वो भी मुलजमों की तरह उस नहज में पहुंच चुकी हैं कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, क्या कैफियत होती है? देखिए उमर, एक क्रिमिनल जो होता है ना, जो भी कोई जुर्म करता है वो पैदाइशी तौर पे क्रिमिनल नहीं होता, ठीक है, वो इस माशरे में जब आता है पलता है बढ़ता है और जिस तरह के हालात का सामना करता है वो उसको इस एक कैपेसिटी तक ले जाते हैं कि उसके जहन में नेगेटिविटी भरना शुरू हो जाती है। अगर हम इस स्पेसिफिक केस की बात करें तो आपने कहा कि इंसाफ मिलने में अब तक बहुत टाइम गुजर चुका है, बिल्कुल, तो अब उम्मीद की किरण जो है वो बुझती जा रही है, इस वजह से उनके अंदर अब वो जो उम्मीद थी वो अब गुस्से में बदलती जा रही है और वो ये कहने पे मजबूर हो गई कि हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। और आपने ऐसे बहुत से केसेस देखे होंगे पहले भी कि हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता वो कोर्ट कचहरी के सामने जाते हैं, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं और आग लगा लेते हैं, अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। तो मे बी उनके दिमाग में भी कुछ इस किस्म की नेगेटिविटी आ गई हो कि अगर हमारी आवाज़ सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं तो हमारा शायद यहाँ पे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं, और दूसरा ये कि हमारे इस एक्ट से अपने आप को नुकसान पहुँचाने से शायद इनको कोई
एक ये सिचुएशन बिल्ट अप हो कि आने वाले टाइम में ये सोचें कि इस किस्म के केसेस बढ़ ना जाएं, इस तरह के रिएक्शंस बढ़ ना जाएं, तो हमारे पास जब भी कोई दादरसी के लिए आए या अपना कोई केस लेके आए तो हम उसका हल फौरी तौर पे करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अब तक हमारे सिस्टम में चेंजेस नहीं ला सका, हमारा सिस्टम जो है उसमें ये चीज़ें अभी भी ऐसे ही नज़र आ रही हैं जैसे पहले थे। मकतूल के भाई भी हैं जो उसी की तरह मुलाजमत वगैरह करते हैं, और जिस तरह से उसका भाई इन मकतूल जो था वो नौकरी पे गया और उसको डकैती के दौरान कत्ल कर दिया गया, फिर 3-4 घंटे जाने के बाद घर वालों को पता चलता है कि वो शदीद जख्मी हो गया और अस्पताल में ICU में है। माँ पहले बेटे के लिए इंसाफ लेना चाह रही है, 3 बेटे उसके नौकरी पर जा रहे हैं और बच्चे जो लड़के हैं उनसे भी यानी जब बात कर रहे थे तो वो भी नहीं आना चाहते थे, वो काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना चाहते थे। तो क्या इस तरह अगर घर के अंदर को खुदा ना खास्ता इस किस्म का कोई सानिया हो जाए तो जो मर्द होते हैं जो बाहर जा रहे होते हैं उनकी ज़हनी कैफियत क्या होती है, क्या वो उस कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं जिससे वो पहले जाते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक घर में जितने भी अफराद हों सबकी एक अपनी जगह होती है, घर में एक अपनी इम्पॉर्टेंस होती है, और खुदा न खास्ता इस तरह के अनचाहे वाक्य में अगर कोई घर का बिलवड जो है वो आप लूज़ कर देते हैं तो आपके घर का शराजा बिखर जाता है उसकी वजह से। जहाँ तक आप घर के मर्दों की बात कर रहे हैं तो उनके ऊपर कॉन्स्टेंट फियर है इस बात का कि घर से निकलते ही रोज़ी तो कमानी है, घर में घर वालों का पेट तो पालना है, घर से निकलते ही उनको अपनी जान का ख़तरा लाहक हो सकता है। ऐसे बहुत से केसेस मैंने भी देखे हैं जहाँ पे कुछ महीनों के अंदर घर के बहुत सारे अफराद जो हैं इसी किस्म की डकैती की वारदात में जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस घर के लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन मर्द और औरतें दोनों इस घर के हर एक पर जो है वो एक कांस्टेंट फियर। आपके जहन पे बिस्मा, अगर आपके जहन पे कोई खौफ तारी हो तो वो नेचुरली वो चीज़ हो जाती है, बंदा उस चीज़ के अंदर चला जाता है। ये कितना चीज़ खतरनाक होती है, यानी अगर मैं किसी एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी डेली प्रैक्टिस से दूंगी। आप गाड़ी चलाते हैं, अगर आप गाड़ी की सीट पे बैठेंगे और गाड़ी स्टार्ट करके निकलेंगे और आप कॉन्स्टेंटली ये सोचेंगे कि मैं ज़रा सा टर्न करूँगा तो मेरी गाड़ी कहीं पर लग ना जाए, आप उतने ही कॉन्शियस होकर गाड़ी चलाएंगे। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जितना आप एहतियात से चला रहे होते हैं उतना नुकसान का अंदेशा बढ़ जाता है, उस वक्त आपके रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। तो जब आपके रिफ्लेक्सेस वीक होंगे और फियर आपके ऊपर हावी रहेगा तो ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली ऐसे वाकयात हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी इस केस में भी यही बात करेंगे छोटी सी ये एग्जांपल से रिलेट करते हुए कि जब आप अपने ऊपर खौफ सवार करके रखेंगे तो आप अपने काम पे भी कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, छोटी छोटी गलतियाँ भी करेंगे और कोई छोटी सी सिचुएशन पर पैनिक भी कर सकते हैं। तो जो नुकसान छोटा फेस करने वाला है वो इस वजह से उसको बड़े पैमाने पर आप फेस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिस्मा एजाज, हमारे नफ्सियात हमारे साथ मौजूद थी। जिस तरह से पुलिस के दावे हैं कि अरबों रुपए का वसाइल लेने के बावजूद भी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कई जगह पे उनको वसाइल के कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं लेकिन उसको वो कूप अप कर लेते हैं, हकीकत में ऐसी चीज़ें देखने में नहीं आ रही और जिनके प्यारे किसी न किसी वारदात के अंदर अपनी जान हार जाते हैं उनके आपने ग्रीवियंसेस सुने। ये इस तरह के और भी बहुत से अब्दुलरहमान होंगे जो डकैती मुजामत पर कत्ल हो गए होंगे और आज भी उनके गुस्सा जो है वो इंसाफ के मतलाशी होंगे। इस खातून ने हिम्मत की है और अपने भाई के कातलों को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रही है और माँ की आपने आंसू भी देखे और दुआएं भी देखी कि वो चाहती हैं कि जल्द अज जल्द मुजरमान पकड़े जाएँ, लेकिन पुलिस का रवैया इतना पथेटिक है कि वो उम्मीद की जो किरण एक वो लेके निकली थी वो किरण कहीं दबती नज़र आ रही है। तो पुलिस को चाहिए कि इस किस्म के केसेस को टेस्ट केस बनाकर मुलजमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जिस तरह से डॉक्टर बिस्मा एजाज ने बताया कि एक मुसलसल उनके ऊपर खौफ है और वो इंसाफ मिलने के बाद खौफ जो है वो उसके जो खौफ के बादल हैं वो झड़ सकते हैं, अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये किसी भी नहाय तक जा सकते हैं और कोई भी अपनी ज़ात को या किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो हुक्काम बाला को इस तरह भी तवज्जो देने की अच्छा ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से टीम जर्मिन जावर, अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अलाने के बाद।